भाइयों रब्बा मन्नत, छित्तर मारने में तेरे पूरे चौल को इकट्ठा कर रखा है, इतनी भीड़ और तुम सब लोग यहां लंगर का हलवा बट रहा है जो तुम सब यहां आ गए। हाँ, अरे शेफ ये बनी है, डिग्री इसे मिला है, तुम सब लोग पागल हुए जा रहे हो। और तुम, डिग्री तुम्हें मिला है ना बेटा, तो इन सबको थैंक यू बोल के सर्टिफिकेट क्यों बांट रही हो? हाँ तो डिग्री भी तो तेरा ही है ना। सुन, अभी के अभी इन सबको यहां से जाने को कहना। दूध वाला, सब्जी वाला, इस्त्री वाला, पता नहीं किस किस को इकट्ठा कर रखा है। अरे तुम सब लोग जाओ यहां से। पता है बहुत किटकिट करती हूं, लेकिन माफ करे किटकिट तो ही बच्चा बने हिट। जानती हूं मैं, मेरे डांटने की वजह से आज तुम्हें ये शेफ की डिग्री मिली है। हाँ हाँ सब जानती हूं मैं, और मेरे लड्डू के वजह से। रात रात भर जो तुम उठ के एक एक लड्डू चट कर जाती हो ना, सब पता है मैनू। लेकिन सुन, आज के बाद ना तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, ये लड्डू वड्डू खाना चलेगा नहीं। अरे बेटा वजन बढ़ जाएगा ना तेरा, फिर तेरे शादी के रिश्ते के लिए कोई लड़का मानेगा? हाँ, फिर जिंदगी भर यही पे काम करते रहना और मेरे छाती पे मुंह डलते रहना। मन्नत, जानती हूं मैं, मन्नत मुझे पिछड़े ख्यालों वाली समझती है। हर वक्त जो मैं शादी शादी की रट लगाए रहती हूं, लेकिन मैं करूं भी तो क्या, मेरे अलावा मन्नत का है ही कौन? ऐसा मन्नत समझती है, लेकिन ये राज की बात मुझे जिंदगी भर तक अपने सीने में दफन करके रखना होगा। लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त भी तो नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं मन्नत का घर बसा दूँ, क्योंकि अगर दीदी को पता चला ना कि मन्नत उसकी असली बेटी है तो तानर्थ हो जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकती। मैं अपनी दीदी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसके सर में सिर्फ अमीर बनना, पैसे कमाना, यही सब सवार है। और अगर उसके रास्ते कोई आया ना तो उसे कुर्बान कर देगी फिर से, चाहे उसकी असली बेटी मन्नत ही क्यों ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।